जय हिंद साथियों, एसके टेक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज आपको हम बताने वाले हैं महत्वपूर्ण मूलभूत इकाइयाँ। आज अभी तक हम जितने भी पढ़ाए हैं इलेक्ट्रिकल यूनिट, मैकेनिकल यूनिट और थर्मल यूनिट, जो भी आगे पढ़ाए हैं उसका आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि यांत्रिक इकाइयाँ क्या होती है, विद्युतीय इकाइयाँ क्या होती है और ऊष्मीय इकाइयाँ क्या होती है। तो आइए देखते हैं, मूलभूत इकाइयों में तीन प्रकार की इकाई होती है, ठीक। फंडामेंटल यूनिट्स जो होता है वो तीन प्रकार का यूनिट होता है, मैकेनिकल यूनिट, इलेक्ट्रिकल यूनिट और थर्मल यूनिट, यानी कि यांत्रिक इकाई, विद्युत की इकाई और ऊष्मीय इकाई। जैसे देखिए, यांत्रिक इकाई मैकेनिकल यूनिट में क्या होता है, द्रव्यमान, वेग, त्वरण, बल, घनत्व, भार, ये सब जो आता है सब किस में आता है, मैकेनिकल यूनिट में, यांत्रिक इकाई में आता है, ठीक। आगे आपको विद्युतीय इकाई, इलेक्ट्रिकल यूनिट, तो इलेक्ट्रिकल यूनिट में क्या आता है, विद्युत कार्य, विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा, ये आता है आपका किस में, इलेक्ट्रिकल यूनिट में। ऊष्मीय इकाई थर्मल यूनिट में क्या क्या आता है, तो थर्मल इकाई में आता था ऊष्मीय ऊर्जा, गुप्त ऊष्मा और संवेदी ऊष्मा, ये सभी आता है थर्मल यूनिट में। तो आगे देखिए, विद्युतीय इकाई जो था मैकेनिकल यूनिट, ये आपको हम आगे के चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, आगे बता चुके हैं कि द्रव्यमान क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, बल क्या होता है, घनत्व होता है, भार और भार क्या होता है, ये सब हम बता चुके हैं आप लोग को। लेकिन फिर भी आप जान लीजिए, द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु का अपना जो आकार होता है, अपना जो उसका द्रव्यमान होता है, अपना जो एक आकार होता है, ठीक ना, वही उसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। जब उसमें हम बल, उसके अंदर आपका क्या हो गया, वेग। वेग क्या है, कोई वस्तु किस गति से कि कहीं भी अपनी दूरी तय कर रहा है, ठीक, तो हो गया क्या, वेग, किसी भी दिशा में किस गति से वो चल रहा है, वो हो गया क्या, वेग। त्वरण तो जानबे करते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब बल, बल क्या होगा कि किसी वस्तु पे लगा के यदि उसके आकार या दिशा में परिवर्तन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, बल कहलाता है, तो बल हो गया। घनत्व क्या होगा कि किसी भी वस्तु का जो भी द्रव्यमान है वो जितना भी एरिया को कवर करता है वही उसका घनत्व होगा, क्योंकि घनत्व का क्या होता है, द्रव्यमान बटे क्षेत्रफल, यही होता है क्या, घनत्व बराबर, तो घनत्व बराबर क्या, तो द्रव्यमान बटे क्षेत्रफल, ठीक। तो जितना किसी वस्तु का जो भी द्रव्यमान होता है वो कितना जगह में फैला हुआ, कितना जगह वो कवर कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं, घनत्व। और भार क्या कहते हैं कि कोई भी वस्तु का जो भी द्रव्यमान हो, 1 kg 2 kg जो भी द्रव्यमान हो उसमें क्या कहता है कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल उस पर जो लगता है उसके कारण उस पर जो भी भार उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, भार। जैसे देखिए, भार दबो दबर क्या होता है, mg, यानी कि ये क्या है, मास है, ये किसी वस्तु का द्रव्यमान है, और द्रव्यमान उसमें अगर जो क्या कहते हैं गुरुत्व बल को अगर हम गुणा कर देते हैं तो उस पर जो भी उसका फलन आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भार, ठीक। आगे देखिए दूसरा क्या, विद्युतीय इकाई। विद्युतीय इकाई में क्या है, विद्युत कार्य, विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा, ठीक। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या विद्युतीय इकाई, क्योंकि यांत्रिकी इकाई मैकेनिकल यूनिट जो था उसको हम लोग क्या किए थे, डिस्कस कर चुके हैं, आगे आप लोग को लिखाया हुआ है। देखिए विद्युतीय इकाई में क्या है, इलेक्ट्रिकल यूनिट, ठीक। इलेक्ट्रिकल यूनिट में क्या है,
विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसे कहते हैं? तो कहता है कि किसी विद्युतीय परिपथ में, कोई भी विद्युत परिपथ में विद्युत के द्वारा कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा। ऐसे भी ऊर्जा बराबर क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक, तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। लेकिन हम बोल दिया विद्युतीय ऊर्जा। ठीक, तो विद्युतीय ऊर्जा मतलब क्या होगा कि विद्युत के द्वारा कार्य करने की जो क्षमता हो उसको विद्युतीय ऊर्जा कहेंगे। सिंपल सी बात है, ऊर्जा बोल सिर्फ विद्युत को हटा दें, सिर्फ ऊर्जा को ले लें, तो क्या कहते हैं कि किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं किसी व्यक्ति को। अब अगर विद्युत ऊर्जा है यानी कि विद्युत के द्वारा कार्य करने की क्षमता को विद्युत ऊर्जा कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहेंगे। अब विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा, देखिए विद्युत ऊर्जा देखिए क्या है, शक्ति गुना समय। उसमें भी तो वही होता था, अगर ऊर्जा बराबर भी तो शक्ति गुना समय होता है। अब विद्युत ऊर्जा बोला है यानी कि विद्युत शक्ति। ठीक, विद्युत शक्ति और जितने समय तक वो कार्य किया, ठीक, दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा होगा ना। जैसे मान लीजिए कि आपको काम किए, काम करने में एनर्जी तो खत्म हुआ ना, तो काम मान लीजिए कि 10 kg का कोई भी वस्तु है, ठीक, इतना मान लीजिए 10 kg का कोई वस्तु है, उसको अगर आप 20 मतलब 2 घंटा तक उठा के चले हैं, ठीक, तो कुछ कार्य लगा कि नहीं? कुछ शक्ति भी आपका लगा? लगा ना जी, क्योंकि 20 kg के वस्तु को अगर आप उठा के 2 घंटा चल रहे हैं तो आपके शरीर से शक्ति भी तो लगा उसको लेके चलने में। और जब शक्ति लगा तो ऊर्जा का हानि भी हुआ, क्योंकि कोई भी काम करने में ऊर्जा लगता है। तो अगर हम 2 घंटा तक 10 kg के मोटरी को उठा कर ले गए कहीं पे, तो हमको क्या हुआ? उतना कार्य करना पड़ा, ठीक, और कार्य करना पड़ा तो कार्य करने के लिए क्या लगता है? ऊर्जा लगता है, तो ऊर्जा का भी समाप्ति हुआ। वही बोलता है, ठीक ना, कि जब हमको शक्ति लगा कोई काम करने में, अब कितना देर तक हम शक्ति लगा ले, ठीक ना, नहीं करता कि जब एनर्जी खत्म हो गई शरीर में, है ना, बोलता है एनर्जी कैसे खत्म हो गया? चाहे कोई काम कर रहा है, चाहे कोई आदमी से लड़ रहा है, ठीक ना, चाहे कुछ भी कर रहा है, हम बोलिए रहे हैं तब बोलने में एनर्जी नहीं खत्म होता है? नहीं होता। देखिए बोलते बोलते फिर हम रुक जाएंगे, है कि नहीं? फिर हमारा भी क्या हो जाएगा? बॉडी अब जवाब देगा क्या तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है, ठीक, तो उसके लिए हमको क्या करना, फिर से एनर्जी लेना पड़ेगा। तो एनर्जी हम क्या लिए? ऊर्जा, वही ना लिए कि जितना हमको शक्ति है, जितना शक्ति से हम काम कर रहे हैं और जितना समय तक हम काम करेंगे उतना ऊर्जा क्या होगा? खत्म होगा। तो ये विद्युत ऊर्जा बराबर शक्ति गुना समय, ठीक। अब इसी को देखिए हम लोग डिनोट कर दिया किससे? ई बराबर एनर्जी बराबर पी गुने टी, जहाँ ई क्या हो गया? विद्युत ऊर्जा, एनर्जी, पी बराबर क्या हो गया? पावर, और टी बराबर क्या हो गया? समय, ठीक। तो ई बराबर पी गुने टी, अब बराबर एक और होता है इसका, क्या? ई बराबर वी आई टी। देखिए पी बराबर, चूंकि हम विद्युत का बात कर रहे हैं, जब ये सब जो हम शक्ति जो होता है, ऊर्जा जो होता है, ये मैकेनिकल यूनिट भी है, ठीक, लेकिन विद्युत ऊर्जा क्या है? इलेक्ट्रिकल यूनिट। तो जब विद्युत में अगर हम ऊर्जा का बात करते हैं तो कौन ऊर्जा होता है? ऊर्जा होता है वोल्टेज और गुने करेंट बराबर शक्ति, ठीक, और गुने समय। शक्ति का मतलब क्या हुआ? वाट बराबर क्या होता है? भी आई होता है वोल्ट गुने एम्पियर, वोल्ट गुने एम्पियर होता है ना, वाट का यूनिट, ठीक। तो वही शक्ति हो गया। तो शक्ति में क्या हो गया? पी बराबर भी आई, क्योंकि हम लोग क्या निकालना है? इलेक्ट्रिकल शक्ति निकालना है, ठीक। तो इसमें पी बराबर भी आई हो जाता है, तो पी बराबर भी आई लिखती है, ठीक। अगर समय का तो टी होवे करता है, टी लिख दिए, तो ई बराबर कितना हो गया? वी आई टी, ठीक। अब कहता है क्या कि विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्र क्या होता है? जूल होता है, ठीक। विद्युत मात्र
विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और इसका दूसरा मात्रक क्या होता है? वाट सेकंड। कैसे? अभी बताए थे कि ऊर्जा ही बराबर क्या होता है? पी गुने टी। पावर का यूनिट क्या? वाट। और टी का यूनिट क्या? सेकंड। वाट सेकंड हुआ तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल या फिर वाट सेकंड हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा ऊर्जा का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? जो भी ऊर्जा का हम लोग उपयोग करते हैं कहीं भी, उसको मापते किसमें? यूनिट में, ठीक ना? किलोवाट घंटा में। और एक किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? एक किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? एक यूनिट होता है, ठीक। एसी का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? घर में। जब बिजली जो उपयोग करते हैं ना, जैसे पंखा चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, टीवी चलाते हैं, तो घर में क्या होता है? जो मीटर लगा रहता है उसमें बिजली बिल उठता है ना, वो किसमें उठता है? यूनिट में। यूनिट में कि नहीं आता है? जब बिजली बिल लेना होता है तो कहता है कि आपका 50 यूनिट उठा है, और 600 रुपया यूनिट होता है तो जोड़ के दे दीजिए 300 रुपया बोलता है ना। तो वो जो यूनिट निकाला वो कुछ निकालता है, वो किलोवाट घंटा निकालता है। 50 यूनिट है यानी कि कितना है? 50 किलोवाट घंटा है। अगर 50 यूनिट है बराबर कितना है? 50 किलोवाट घंटा है, ठीक। तो वही होता है। तो एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा है। तो चूंकि अब हम पैसा का लेन देन करने लगे अकरा से, ये सब जितना भी मात्र पैसा से मापते थे तो कोई से पैसा का लेन देन नहीं है, व्यापार में है, ठीक ना? लेकिन एकरा से की है व्यापारी यूज कर रहे हैं, ठीक ना? लेन देन पैसा के है। तो इससे क्या, चूंकि घरेलू विद्युत उपभोग का बिल किलोवाट घंटा में होता है, ठीक, इसलिए इसका व्यापारिक मात्र क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है, ठीक। और 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है, ठीक। चलो इतना ही है, इसको बताइए फिर आगे बताते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, विद्युत कार्य। विद्युत कार्य किसे कहते हैं? कहते हैं इलेक्ट्रिकल बल्ब। जब विद्युत वाहक बल्ब विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का संचरण करता है तो वह कार्य करता हुआ माना जाता है, इसे विद्युत वाहक बल्ब कहते हैं, ठीक। इसे विद्युत कार्य कहते हैं, ठीक। तो विद्युत कार्य क्या कहता है? कार्य का मतलब क्यों होता है? काम करना, कुछ तो काम करना। अब देख इनके बोल रहा है कि विद्युत कार्य मतलब क्या? विद्युत द्वारा किया गया कार्य विद्युत कार्य कहलाता। तब विद्युत को कुछ कार्य करेगा? आइटा पता थोड़ी डोबेगा, नहीं डोबेगा। विद्युत अगर है तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ही संचार करेगा, एक जगह से दूसरा जगह ले जाना। तो ये कहता कि इलेक्ट्रॉन अगर जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले गया, ठीक, तो ले जाने में कुछ तो कार्य हुआ होगा, क्योंकि बल लगा है या विस्थापन हुआ है तो कार्य तो हुआ है। कार्य का मतलब क्या होता है? कि अगर कोई वस्तु को एजा से यहाँ ले जाने में एजा से एजा गया है, यानी कि जगह के परिवर्तन तो हो गया पहली बार, होकर बात ले जाने में कुछ बल भी तो लगा होगा, ऐसे तो नहीं चल गया होगा। तो देखो क्या किए कार्य की विद्युत कार्य क्या हुआ? तो कोई वस्तु पर हम बल लगा के एक जगह से दूसरे जगह अगर ले चल गए तो विस्थापन भी हो गया और बल भी लग गया, तो कार्य हो गया। ताकि डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ एस बल गुने विस्थापन, यानी कि बल लगा और विस्थापन हो गया तो समझो कार्य भी हो गया। तो अब कह रहे हैं कि विद्युत कार्य क्या है? तो वही यहाँ होता है कि एक कारक होता है विद्युत वाहक बल, ठीक। वही विद्युत वाहक बल जो होता है क्या कहता है? कि विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन जो रहता है उस पर लग के उसका क्या करता है? संचरण कर देता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक इलेक्ट्रॉन को ले जाता है, ठीक ना? तो अगर ले गया तो वो क्या था? वह कार्य का हुआ माना जाता है कि कुछ कार्य हुआ है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे जगह पर, और बल भी लगा था विद्युत वाहक का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत कार्य कहते हैं, ठीक। कोई वस्तु पर अगर बल लगा के कोई इलेक्ट्रॉन पर बल लगा के उसका स्थान में परिवर्तन कर दिए तो क्या कहला गया? विद्युत कार्य, ठीक। देखो यानी कि कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, तो विद्युत वाहक बल लगा और विस्थापन कुछ हुआ, इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान चला गया, ठीक। तो ये कार्य बराबर बल गुने
विस्थापन। अब क्या हो गया, कार्य बराबर ईएमएफ गुने धारा गुने समय, वही हुआ क्या, ईएमएफ लगाए ठीक है विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये होता है विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल हम लगाए, धारा प्रवाहित हुआ, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ तक गया तो क्या कहता है इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन इस स्थान से इस स्थान पे गया तो लगातार फ्लो होगा ना इलेक्ट्रॉन का, तो विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, तो वही यहाँ क्या हो गया धारा। अब कुछ समय तक तो प्रवाहित होने क्या होगा, जब किसी वस्तु जब हम इलेक्ट्रॉन को कोई विद्युत वाहक बल लगा के अगर उसका हम डिस्प्लेसमेंट किए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे तो कुछ समय तक तो बल लगा था ना ईएमएफ, तो क्या हो गया समय कुछ जितना समय तक ये लगा था जितना समय तक धारा का क्या हुआ फॉलो हुआ उसको गुना कर दिया तो कार्य बराबर ईएमएफ गुने धारा गुने समय, यानी कि जूल बराबर क्या हो जाएगा वोल्ट गुने एम्पियर गुने सेकेंड, ये सब यूनिट होता है, ईएमएफ का यूनिट होता है वोल्ट, धारा का एम्पियर और समय का सेकेंड। तो वी बराबर क्या हो जाएगा डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा वी आई टी, यही आपका फॉर्मूला हो गया। डब्ल्यू बराबर क्या कार्य, कार्य बराबर वोल्ट गुने एम्पियर गुने समय ठीक। अब अगला क्या विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर, कत कथा किसी विद्युत परिपथ में ऐसे शक्ति बराबर क्या होता कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, लेकिन जनरली कहीं भी होता है ठीक ना, कहीं भी कार्य करने की जो दर रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे शक्ति, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि विद्युत शक्ति यानी कि विद्युत का शक्ति, तो विद्युत का शक्ति हम लोग कैसे ज्ञान करेंगे, तो विद्युत परिपथ में कार्य करने की शक्ति, विद्युत परिपथ में जो कार्य हुआ जैसे इलेक्ट्रॉन को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले गए तो कार्य हुआ जी, और स्वाभाविक हम क्या बोले कि कार्य जैसे होगा कार्य करने को शक्ति लगेगा लगेगा, तो एक किसी विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं ठीक है। कार्य करने का जो दर हो एक मिनट में जितना कार्य हुआ दो मिनट में जितना कार्य हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे विद्युत शक्ति ठीक। तो कहते हैं किसी विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, इसे पी से सूचित किया जाता है ठीक, पी से यानी कि पावर, तो इसे पी से सूचित किया जाता है। अब पता है इसका एसआई मात्र क्या होता है वाट होता है, इसका एसआई मात्र वाट होता है, और देखो शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटे समय, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, यानी कि पी बराबर डब्ल्यू बटे टी, डब्ल्यू यानी कि बर्क और टी मतलब समय सेकेंड, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा इसका यूनिट हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड ठीक, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं वाट ठीक है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, आगे आपको क्या पढ़ाएंगे थर्मल यूनिट ठीक ना, उसमें इकाइयाँ, चलिए ठीक है थैंक यू।